स्टेशन पे। तो आज जो मेरा जर्नी है वो वाला है सिलीगुड़ी जंक्शन से न्यू कोचबिहार तक का जर्नी होने वाला है। आज का जो मेरा जर्नी है वो तीन पार्ट में डिवाइड होने वाला है। एक होगा सिलीगुड़ी जंक्शन से मालबाजार तक, दूसरा होगा मालबाजार से मैनागुड़ी तक, और तीसरा जो जर्नी होगा मैनागुड़ी से न्यू कोचबिहार तक का जर्नी तीन पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। आज मैं पीछे जो डीओमो स्पेशल ट्रेन है इसी ट्रेन में सफ़र करने वाला हूँ। इस ट्रेन जो है अभी यहाँ से सीधा होकर गुलमा होकर सेवक फिर उदलाबड़ी होके मालबाजार फिर कोरुमारा फॉरेस्ट के अंदर से जाने वाले। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देगा आज का वीडियो में। तो चलो इंटरव्यू में तो ज़्यादा कुछ नहीं होते, ट्रेन का डिपर्चर का टाइम है 10:50। जो अभी टाइम हो चुके हो चुके हैं 10:40 और फिर बाद ये ट्रेन यहाँ से छोड़ेगी। तो चलो देखते हैं कितना देर में ट्रेन यहाँ से डिपर्चर होते हैं, फिर डिपर्चर के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। नहीं, सिलीगुड़ी जंक्शन से डिपर्चर हो चुके हैं अभी, राइट टाइम पे 10:50 का टाइम है। बाय बाय टॉय ट्रेन लाइन। तो ये ट्रेन का कुछ इंटीरियर का नज़ारा, सबको ऊपर जो है बैग रखने का जगह, यहाँ पे 3-6 लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे। गाइस कुछ ही देर के अंदर जो है ट्री गार्डन देखना स्टार्ट हो चुका है इस जगह पे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो दोस्तों इस रोड का जो सबसे पहला स्टॉपेज है वो है गुलमा। मुझे जैसे लगता है गुलमा का बहुत ही जल्द हम लोग पहुँचने वाला है। वो देखो गाइस जो हिल है वो भी दिखाई दे रहा है हल्का हल्का, कौन सी साइड का हिल है मुझे किसे मालूम नहीं है, लेकिन नज़ारा का व्यू का बात करो अल्टीमेट व्यू है। लाइन का जो सबसे पहला स्टॉपिस है गुलमा, वो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी गुलमा तक। बहुत ही खूबसूरत जगह है गुलमा। अभी हम लोग जा रहे हैं मोहनंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच से गुजर रहे हैं हम लोग का ट्रेन। तो कुछ ही देर पहले जो है गुलमा फॉरेस्ट या बोलते तो गुलमा जो रिवर है वो क्रॉस किया, उस फॉरेस्ट के अंदर या सेंचुरी के अंदर एक दिन आना पड़ेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल सा जगह है, लक अच्छा हो तो बहुत जीव जंतु भी दिखाई दे सकते हैं। अभी हम लोग कुछ ही देर के अंदर पहुँच जाएंगे सिवोक के अंदर। सिवोक का जो नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल, दूसरा स्टॉप भी है सिवोक। सिवोक पहुंच गए हम लोग,
तो ट्रेन में यहाँ पे 1 मिनट का जैसा स्टॉपेज है, 1 मिनट बाद ही आपको सिर्फ फोटो देखा कितना लगता है। तो ये कुछ वक्त का नज़ारा, पीछे जो हिल दिखा रहे बहुत हुए, और अभी आएगा जो इसका ब्रिज है उसका ब्रिज भी आएगा। तो अभी हम लोग का ट्रेन यहाँ पे 1 मिनट रोकने के बाद यहाँ से छोड़ दिया है सिवोक रेलवे स्टेशन से। अभी हम लोग को दिखाई देगा कोरोनेशन ब्रिज भी दिखाई देगा जो रेलवे ब्रिज है उस जगह से। तो चलो देखते हैं इस जगह पे, रील्स का भी शूट लेना है। तो यहाँ पे जो डिज़ाइन है ना प्लेटफॉर्म का, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाए रेल का डिब्बा का जैसा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हो रहे रोंगपो तक रेलवे ट्रैक बनाने का, तो यहाँ पे एक टनल दिखाई देगा, टनल नया एक टनल बनाया जा रहा है सिवोक रोंगपो रेलवे टनल प्रोजेक्ट के द्वारा। यहाँ पहुंच गए हैं, टाइम इज 11:38 ऐसा ही कुछ टाइम हो चुका है। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं बागरकोट स्टेशन पे। काफ़ी फास्ट चल रहा है ये ट्रेन, डोर जो है ना बार बार बंद हो रहा है। तो ये है कुछ नज़ारा ट्रेन का, सामने स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है ये है, और ये फ्लाईओवर स्टेशन का बागरकोट स्टेशन का 1 नंबर प्लेटफॉर्म, तो उस साइड पर जो है वो है 2 नंबर प्लेटफॉर्म। तो चलो आगे बढ़ते हैं, दो बार होटला बाड़ी फिर मालबाजार, इसका बीच भी कोई स्टेशन वहाँ से होती है। दूर जाएंगे आगे की तरफ, हिल को पीछे छोड़ के हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। हिल भी उतना दूर जा रहे हैं हम लोग से, लगा हिल बहुत खूबसूरत नज़ारा था, कैप्चर कर लिया। तो दोस्तों अभी हम लोग डामडिम स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं, ये है डामडिम स्टेशन का कुछ नज़ारा। तो आगे से ट्रेन जो है थोड़ा सा झुकेगी, लेफ्ट टर्न लेगी, तो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। और ये पीछे से डामडिम स्टेशन का नज़ारा, और ये स्टेशन उस साइड में है प्लेटफॉर्म डामडिम का, और ये है ट्रेन का इंटीरियर, ये अंदर का साइड है। अगर समर का सीज़न होता तो बहुत ही क्लियर दिखाई देता है इस साइड से। तो
चलो इसका बाद जो स्टेशन आने वाला है वो है मालबाजार। ये तो मालबाजार में बीच में थोड़ा ट्रेन का जर्नी एंजॉय कीजिए, एक बार मैं मालबाजार जाके फिर मिलता हूँ। अभी मैं न्यू माल जंक्शन क्रॉस कर रहा हूँ। न्यू माल जंक्शन में जो ट्रेन का इंजन चेंज हो गया, ट्रेन कुछ देर पहले इस साइड में जा रहा था, अभी इस साइड में जा रहा है, ट्रेन का चेंज हो चुका है इंजन। तो अभी ट्रेन इस जगह पे जाएगा, इसके बाद आएगा माल बाजार का जो पुराना स्टेशन है, माल बाजार पुराना स्टेशन आएगा। इस जगह पे जो शेड है, इस जगह पे बैठ सकते हैं लोगों का शेड में अंदर। तो ट्रेन कुछ कारण के वजह से फिर रुक गया है। पहुँच चुके हैं मालबाजार जंक्शन पे। तो यहाँ पे ट्रेन पे जो भीड़ होने वाला है, बहुत पैसेंजर है, दिखाई दे रहा है। तो आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का ये जर्नी पसंद आया है। तो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पता नहीं कितना भीड़ होने वाला है अभी ट्रेन पे।